आज तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन भाई इस भाई को सपोर्ट करेगा। तुम्हें श्री राम की कसम है, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि इस भाई की मदद हो सके। इस भाई की हालत देख रहे हो आप लोग, इस भाई का सर पिचक चुका है, बहुत बुरी हालत है इस भाई की। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस भाई की मदद हो सके। हाँ, इस वीडियो को शेयर करने से इस भाई का तो पता नहीं, लेकिन तेरा जरूर फायदा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो के व्यूज शेयर लाइक्स से पैसे तू ही तो कमाएगा। ना 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 ना, नकली थारा भाई नकली। हाँ, एक नंबर का नकली है ये। तो कुछ टाइम पहले मैंने सुना था 75 हार्ड डे चैलेंज, जिसने जनता को काफी ज्यादा मोटिवेट किया, लेकिन अब आया चित्रकूट चैलेंज। और इस चैलेंज में क्या है, चित्रकूट की भूमि पर खड़ा होके चित्रकूट चैलेंज की घोषणा करता है, जिसके अंदर 108 दिन लगातार गरीब लोगों की मदद करूंगा, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अच्छा, ये होता है ये चैलेंज ने लोगों की मदद करना नहीं, श्री राम और दुर्गा माँ की कसम दिलवाकर व्यूज और लाइक छापने का है। और बात रही लोगों की मदद करने की, तो भाई आप लोगों को श्री राम की कसम है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ही। देखो अम्मा कितनी परेशान थी, अम्मा मेरे को मिली यहाँ पर, तो मैं अम्मा को, अम्मा बहुत देर से भूखी थी, तो मैं अम्मा को थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ जितना मेरे से हो सके। और आपको श्री राम की कसम है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कराओ, जितना हो सके उतना लाइक दो, और जितना हो सके उतना ही शेयर कराओ। हाँ तो चलो भाई वीडियो एंड करता हूँ, लाओ माँ पैसे दे दो वापस। मदद नहीं करोगे हमको? नहीं अम्मा, से वीडियो के लिए था वो बस। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और इस चैलेंज के अंदर ये लोगों की मदद नहीं करता, आधे से ज्यादा दिन तो इसने दूसरे लोगों की बातें करने में गुजार दिए। बहुत ज्यादा पिटा गया है, एक बार इसकी ये वाली वीडियो देखना। ये पकड़ में आना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो। इसको हमारे भारत के बड़े बड़े साधु संत इतना बड़ा काम करने के बाद भी 1% डर। यह पाइस पैदा हुआ था, इसकी फैमिली वाले परेशान हो गए ना इसको आधी रात एक रस्ते पे छोड़ के। अरे नकली इंसान, चैलेंज तो ढंग से कर ले। और इस भाई साहब के साथ जुड़े हुए हमारे गॉड फादर ऑफ बिग बॉस, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। आओ सालू। देख रहे हो दोस्तों, ये आदमी कैसे हमारे भगवान को तोड़ रहा है, और इसने खुद बोला है कि मैं तोड़ूंगा और हिंदू धर्म मेरा क्या कर लेगा। देख रहे हो ना हमारे भगवान को कैसे तोड़ रहे लोग, अगर इनको रोका नहीं गया ना ये खुलेआम हमारे भगवान को ऐसे तोड़ेंगे। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान है, एक्टिंग नहीं आती तो कर क्यों रहे हो, मैं पानी डाल के नकली आंसू बना के क्या कर लोगे, हमारी की आंखें नहीं है। ये दोनों जो अभी साथ में इतना वीडियोस बना रहे हैं ना, कुछ टाइम पहले इनका कुछ ऐसा हाल था। इनका देख रहे हो भाई, इस आदमी को देख रहे हो आप लोग जो मेरे पीछे है, कहां से आया हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अरे कुछ नहीं है भाई, सब स्क्रिप्टेड है। वीडियो इतनी शेयर करना ताकि सरकार तक पहुंचे, इतना टैग करना दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस को ताकि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। जिस देश के अंदर श्री राम जी की पूजा की जाती है, जिस देश के अंदर लोग भगवे कलर के कपड़े पहनते हैं, उस देश के अंदर ये जंगलों में जाते हैं बिना कपड़े के फोटो क्लिक कराते हैं। इतनी सारी बहने हैं, इतने सारे भाई है वो। अरे भाई उस इंसान की मर्जी, कुछ भी करे, तुझे क्या करना। वो कपड़े पहन के घूमे या नंगा घूमे, इससे वो देश की संस्कृति को कैसे खराब कर रहा है। ऐसे तो फिर बाहर वाले समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। वीडियो दिखाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन भाई इनको सपोर्ट करेगा। तुम्हें श्री राम जी की कसम है, वीडियो इतनी शेयर करना ताकि इनकी मदद हो पाए। भाई वीडियो शेयर करने से अंकल का तो पता नहीं, लेकिन तेरी जरूर मदद हो जाएगी, क्योंकि पैसे अंकल के अकाउंट में नहीं तेरे अकाउंट में आएंगे। ये स्टूडियो मैंने मेहनत से बनाया था, एक एक रुपया जोड़ के, और कोई चुरा के ले गया सारा सामान। मेरी 3 साल की मेहनत एक दिन में खराब कर दी। देखो ये मेरी रोजी रोटी सब तोड़ दिया। और सबसे पता बड़ी बात क्या है, जिस चीज के लिए मैंने जी जान मेहनत की थी ना, ये मेरा गोल्डन प्ले बटन सब तोड़ दिया, इधर उधर के सब, सारा स्टूडियो खराब कर दिया। और क्या बोलो यार, मम्मी कर दो सारा सही है, सारे जूते उतर। भाई 12 लाख की चोरी में इंसान वीडियो नहीं बनाता, सर पकड़ के बैठ जाता है। पहले तो खुद इसने, चलो सारा घर भी खड़ गया, अब वीडियो बना लेता हूँ। अभी मेरे यहाँ 12 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है, मेरा बहुत मेहनत से बनाया हुआ ये घर पूरा चोरी हो चुका है। 12 लाख रुपए का सामान मेरे घर से चोरी हो चुका है, ये देखो पूरा सामान बिखरा हुआ है, चोर आके सब लेके भाग गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसकी बेचारे की मम्मी भी कह रही होगी सारा का सारा सामान बिखाड़ दिया मेरा, रुक जा बेटा एक चीज का बदला लूंगी वीडियो का। कुछ तरीका है भीख मांगने का, इसको देख रहे हो, ये असली पावर, इतना बड़ा काम करने के बाद भी 1% डर नहीं। अपने हिंदू भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है क्या, जो हम सरकार का वेट करेंगे। वैसे तो हम जय श्री राम। भाई बंदा भगवा कलर का मोचा पहनकर
हिंदुस्तान के धर्मों के बीच बस लड़ाई कराना चाहता है और कुछ नहीं है। अबे नकली, तुझे पता नहीं है कि ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता? ऐसी चीजें आती तो डिलीट सेक्शन में जाती है, ना कि प्रमोट में। पुनीत भाई हमारे एक तरफ लोगों को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोगों की जान खतरे में डालते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं मुंबई आया था और मुंबई में मैंने देखा कि जू बीच पे इतनी गंदगी है, तो मेरे दोस्तों मैं भी जो है मुंबई का पूरा साफ कर दूंगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टार आर्टिस्ट रहते हैं लेकिन कोई भी साफ कर, ये अकेला पूरे मुंबई को साफ कर देगा ये। अरे भाई यही तो है असली एनिमल भाई। यार इस इंसान को शर्म नहीं है क्या? और जोगिंदर अब नहीं हो रही हमारे देश की संस्कृति खराब? अरे भाई पागल हो गया ये। वैसे ये कौन सा नशा है यार? अब तो नहीं हो रही हमारे देश की संस्कृति खराब भाई। लोगों जब कुछ नहीं मिलता ना तो ये लोग आ जाते हैं धर्मों के नाम पर व्यूज गेन करने, लाइक्स गेन करने, और कुछ नहीं है। अरे सुधर जाओ। और अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, भी भीख मांग रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।